नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। तो देखिए, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है खिमसर विधायक नारायण बेनीवाल जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि राजस्थान में अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है 2023 के विधानसभा चुनाव, तो उसको लेकर आपकी पार्टी की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, 2023 के अंदर हम व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आरएलपी पार्टी पुरजोर तरीके से इस प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक रूप से नई क्रांति की शुरुआत करेगी। 2018 के जो चुनाव थे उस टाइम हमारी पार्टी बिल्कुल नई थी, हम 57 जगह उम्मीदवार उतार पाए, लेकिन जनता का बड़ा प्यार प्रेम और आशीर्वाद हम लोगों को मिला। 3 विधायक चुने गए और कई जगह द्वितीय स्थान पर रहे। ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी थे जो 20,000 से लेकर 50,000 तक उन्होंने वोट प्राप्त किए। तो 2023 का जो काल है वो बहुत ही स्वर्णिम काल यदि हम आरएलपी पार्टी के लिए कहेंगे, निश्चित रूप से। इसी के साथ सर, जनता भी ये जानना चाहती है कि आपकी जो पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर आप किसी के साथ गठबंधन के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो हमारे सुप्रीमो और हमारा जो कोर कमेटी की जो कोर कमेटी जो है वही मिलकर फैसला करेगी। आने वाले समय में पता लगे, इसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और हमारी जो कोर कमेटी जो भी फैसला करेगी उसी के अनुसार हम चुनाव लड़ेंगे। जी सर, इसी के साथ मेरा अगला सवाल है कि क्या इस बार आपकी पार्टी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी या नहीं? देखिए, हनुमान जी जो ब्रांड इमेज है युवाओं का और किसानों का, बहुत बड़ा आशीर्वाद हनुमान जी को मिला है। राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी के 3 विधायक और 1 माननीय सांसद हनुमान जी भी लोकसभा के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से 200 स्थान पे जो है वो प्यार प्रेम आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है और आने वाले दिनों में जैसी वो रणनीति तैयार करेंगे मिलके, उस हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए सर, क्या होता था कि राजस्थान में पहले हम देखते थे कि दो पार्टियां जो कि उभर के सामने आती थी वो थी कांग्रेस और बीजेपी, पर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और जो आरएलपी है वो उभर के बहुत ही सामने आ रही है जनता के, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जनता जो है वो मिला जुली का जो कांग्रेस और बीजेपी का जो खेल है उस खेल से कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आई और उनको हनुमान बेनीवाल जी में एक कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जो लोगों को नजर आ रही है। और हनुमान बेनीवाल जी बड़े स्पष्ट वक्ता भी हैं, साफ छवि से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और नौजवान और किसानों के लिए हमेशा लड़ते हैं। और एक ही चीज़ वो कहते हैं कि इस प्रदेश में जब तक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा, हम कानून बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन कानून की इम्प्लीमेंट की हम बात नहीं करते, तो जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक एक उनका जो खुशहाल राजस्थान का जो सपना हम सबका है उस पर हम पूरा नहीं कर सकते। आने वाला समय जो है निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। प्रदेश के अंदर जब हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या जो भी बात करें, आज हनुमान जी के जो भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आती है उसको लाखों करोड़ों लोग जो उनके फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है और उनकी जो कार्य जो प्रणाली है उसको लेके और आम जो नौजवान है उनको कहीं ना कहीं हनुमान जी को लोग आदर्श भी मानते हैं और निश्चित रूप से वो ये सोचते हैं कि हनुमान जी के हाथ में यदि प्रदेश जाएगा तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की खुशहाली की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो सर, हमने देखा कि इस बार जो अशोक गहलोत जी है उन्होंने किसानों के लिए जो है अलग बजट पेश किया है, कृषि बजट पेश किया गया है, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि किसानों को क्या उसका फायदा मिल पा रहा है या नहीं? देखिए, अभी विधानसभा जब चल रही थी तब माननीय सदस्यों ने और हमने भी आवाज स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से या जो तारांकित और तारांकित प्रश्नों के माध्यम से जब हमने पूछा तो निश्चित रूप से नए कृषि बजट की बात इन्होंने जरूर बजट के अंदर चर्चा की, लेकिन उसका किसानों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, और हम ये नहीं सोचे कि किसानों की आय दुगुनी करने की बात है या एमएसपी की खरीद की गारंटी जब तक इस देश के अंदर लागू नहीं होगी तब तक हम चाहे कितने ही बजट नए नए नाम पुकार के, नए नए नाम लिख के, नए नए स्लोगन से हम बजट कैसा ही पेश कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हालात में जो सुधार तेजी से होने चाहिए वो नहीं हो रहे। सर, इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार पे और महंगाई पे आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, हनुमान जी जो हमारे सुप्रीमो एक ही चीज कहते हैं कि जब तक जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, बातें तो करते हुए 75 साल हो गए लेकिन ऐसे कानून भी बने हुए लेकिन वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं। आज
कोई व्यक्ति जो है, अब आप इसके अंदर ऐसा नियम बना दिया कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोषी है, तो हम ये मुख्य एजेंडे में भी हम रखेंगे। हनुमान जी कई बार मंच से भी ये बात कहते आए हैं, और जो कहीं भी एक उचित मंच होता है उसके ऊपर ये बात जरूर उठाते हैं। जब तक सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर रिश्वत लेने वाले को दोषी नहीं मानोगे आप, तब तक जनता ऐसे ही पिसती रहेगी। तो निश्चित रूप से जीरो टॉलरेंस पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो सत्ता के अंदर या जो नेता लोग या लोक सेवक जो हैं, वो ईमानदारी से कहीं ना कहीं इसके अंदर जितना वर्क होना चाहिए था 75 साल उतना नहीं हो पाया, उसी का कारण है कि भ्रष्टाचार तेजी से पनप रहा है और भ्रष्टाचारी लोग आगे बढ़ पाए। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे भी ये जरूर आग्रह करूंगा मीडिया के बंधुओं से कि ये बहुत बड़ा मुद्दा जो धीरे धीरे कैंसर की तरह नासूर बनता जा रहा है इस देश के अंदर, हम सब मिलके और इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तभी जनता का असली जो भला है वो हम कर पाएंगे। सर उसी के साथ हम देखते हैं कि हाल ही में जो रीट का जो मुद्दा था वो बहुत ही उभर के आया था, लोग अनशन पे बैठे थे, युवा थे, बहुत परेशान हुए थे, तो सर उसमें जो घपलेबाजी थी उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है उनकी मिला जुली का खेल, जब वो सत्ता में आते हैं तो ये कहते हैं जब अगली बार तुम आओ तो मेरा ध्यान रखना, इस बार मैं आया हूँ तो आपका ध्यान रखना। तो ये रीट के अंदर भी ऐसा ही हुआ, पहले परिवहन घोटाले में भी ऐसा हुआ कि आरएलपी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने परिवहन घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की, हम 3 दिन धरने पे भी बैठे रहे। इस बार रीट के अंदर भी आप लोगों ने देखा और पूरे प्रदेश ने देखा कि रीट के अंदर हनुमान जी बेनीवाल लगातार ये कह रहे थे कि रीट की भर्ती घोटाले की जाँच सीबीआई से होनी चाहिए, लेकिन दोनों दलों की कहीं ना कहीं जो मिला जुली का खेल है उसके अंदर यहाँ का जो युवा है वो शोषण उसका होता आया है, और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। रीट दोनों जो भर्ती के जो लेवल थे वो दोनों ही नए सिरे से यदि वापस होते तो निश्चित रूप से युवाओं के साथ एक अच्छा मैसेज भी जाता और युवाओं के साथ न्याय भी होता, लेकिन मिला जुले के इस खेल ने प्रदेश के युवाओं को एक फुटबॉल बना के रख दिया है। तो सर जो बाड़मेर में एक युवक है जो कि धरने पे बैठा है शहीद स्मारक पर, उसको लेकर क्या आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो आरटीआई एक्टिविस्ट जो है अमराराम गोदारा, वो काफी दिनों से दबंगों ने उसके साथ जो कृत्य किया कि उसके पाँव में कील ठोक दी, उसके पाँव को जगह जगह से तोड़ दिया, हमारी पार्टी ने शुरू से ही चाहे विधानसभा के बाहर और अंदर भी ये हमने उसका मुद्दा उठाने का पूरा प्रयास किया। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उसके परिवारजनों के साथ डीजीपी से मिले थे, हम लोग उनकी ये मांगे कि एसओजी जांच होनी चाहिए। आरएलपी पार्टी पूरी तरह से अमराराम के साथ है, न केवल अमराराम, अन्याय कहीं भी होगा, हनुमान जी एक ही चीज़ कहते हैं, अन्याय समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ यदि अन्याय होता है तो निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी ईमानदारी से उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगी, और हम अमराराम को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पूरी आरएलपी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उसके पक्ष में समर्थन में खड़ी मिलेगी। तो देखिए सर, जब हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और चुनावों की भी साथ में बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों का ये कहना है कि ये जो दाम बढ़े हैं ये चुनाव के बाद से बढ़ने लगे, और कहीं ना कहीं बीजेपी की इसमें एक मुख्य भूमिका के तौर पर वो उभरता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय रहेगी? देखिए, बिल्कुल इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो है वो कम होने चाहिए। कुछ सरकार की नीतियाँ या हमारे राजस्थान सरकार की वजह से नीतियाँ रही कि जो लोकल टैक्स जो है, आज यदि हरियाणा की बात हम करें तो 10-12 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल यहाँ से सस्ता है, तो यहाँ की लोकल सरकारों को ऐसा करना चाहिए। और हम तो हमारी पार्टी जो है उसका बिल्कुल साफ हम जो मैनिफेस्टो भी लेकर आएंगे इसके अंदर ही करेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम जो कई बार एड के अंदर आता ना कि जोर का झटका धीरे से, ये वाली बात सरकारें करती, कभी 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे बढ़ा के और पता नहीं कितने रुपए इन्होंने बढ़ा दिए, तो ये आम जनता पे बहुत बड़ा बोझ है। महंगाई रूपी जो अजगर है ये धीरे धीरे समाज को निगल रहा है। हम पुरचोर तरीके से अब चूंकि अब विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, हम गाँव गाँव डाणी डाणी तक लोगों को जागृत करके और इस महंगाई रूपी जो राक्षस है इसकी हम इसको हम कैसे रोक सकें, इस पर बैठ के हम मंथन भी करेंगे, और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि महंगाई की ये जो मार है ये आम व्यक्ति तक नहीं पड़े। और राजस्थान जो है वो जो हैप्पीनेस इंडेक्स की यदि हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़े। तो जी सर, एक सवाल है मैं जनता की तरफ से आपसे करना चाहूँगी कि अगर आपकी पार्टी आती है तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, युवा और किसान महिलाएँ, यही तो हमारा मुख्य वो एजेंडा है। हमने सबसे पहले जो हनुमान जी ने ये मांग की कि युवाओं को
रोजगार, और यदि जब तक उसको रोजगार नहीं मिले तब तक 10,000 रुपये उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, और स्थानीय जो बड़ी कंपनियों के अंदर जो है वो स्थानीय लोगों को 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। उसके अलावा एक भर्ती के कैलेंडर समय पे जारी हो, और महिलाओं की जो आज हनुमान जी बात कहते हैं अपराध के अंदर हम पहले स्थान पर आ गए, हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटी सड़क पे अकेली निकल पड़े तो किसी की मजा लेके जो उसकी तरफ देख ले। हम ऐसे ठोस कानून इस प्रदेश में बनाने का प्रयास करेंगे। हम क्योंकि चूंकि हम किसान परिवार से आते हैं और हम जानते हैं कि एक किसान के बेटे का जो बेरोजगारी का दंश जो झेल रहा है उसकी क्या हालत हो रही है इस समाज के अंदर, तो निश्चित रूप से युवाओं का, किसानों का और महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी ठोस कोई कार्य योजना इस प्रदेश में हम लेके आएंगे। तो सर देखिए, बात करते हैं कि अभी आपने खुद ने ही कहा कि मैं किसान परिवार से हूं, पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सभी शहर के विकास की कहीं ना कहीं बात करते हैं, पर अगर हम बात करें गांवों की, छोटे गांवों की, कस्बों की, तो सर इनमें जो हालात हैं पढ़ाई को लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के, वो अभी इतने बेहतर नहीं है, तो उसको लेकर के आपकी पार्टी क्या कुछ नया करेगी? देखिए, बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि ये कहते हैं देश की आत्मा जो है वो गांव के अंदर बसती है, और चौधरी चरण सिंह जी ने ये बात कही कि देश की उन्नति और खुशहाली का रास्ता खेतों और खलियानों से होकर गुजरता है। तो निश्चित रूप से जब तक समाज के अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति का हम कल्याण नहीं करेंगे, उसकी प्रोस्पेरिटी की यदि हम बात नहीं करेंगे, तो खुशहाल प्रदेश और खुशहाल देश की बात करना बेमानी है। हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा यही, हम चाहते हैं कि जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा जो व्यक्ति है उसको मूलभूत सुविधाएँ जो है उसको यदि आप करोगे, एक रूरल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्लान यदि आप बना के, आप मास्टर इसकी बात आप करते हैं, अच्छे कस्बे बनाने की बात करते हैं, अच्छे शहर बनाने की आप बात करते हैं, लेकिन टाउन प्लानिंग की आप बात करते हैं, लेकिन गांव के अंदर प्लानिंग होना बहुत आवश्यक हो गया। मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का। मेरी विधानसभा क्यूंसर में जहाँ वो पहले प्रतिनिधित्व करते थे, आज आज़ादी के 75 साल की यदि हम बात करें तो 70 साल तक हमारे विधानसभा में कोई महाविद्यालय नहीं था, लेकिन अब पिछले 5 साल के अंदर 4 महाविद्यालय उनके प्रयासों से खुले, 2 महिला कॉलेज और 2 को-एड कॉलेज। इसके अलावा गांव-गांव और ढाणी ढाणी तक पानी का जो JJM की स्कीम है, उसके अलावा जो सौभाग्य की योजना है उसका भी बहुत बड़ा बजट वहाँ खर्च भी हुआ है। गाँव ढाणी तक बिजली पानी की सुविधाएँ हमने मुहैया कराई है। हमारा ये प्रयास है कि मूलभूत जो आवश्यकता जो है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, ये सब जब तक आप प्रॉपर तरीके से मैनेज तरीके से गांव और ढाणी में नहीं पहुंचाओगे, तब तक हर व्यक्ति का ये प्रयास रहेगा कि मैं मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा दूं तो शहर के अंदर जाऊं। तो शहरीकरण जो बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो मूल जो भावना है लोगों की, भाई गाँव का विकास होना चाहिए, उससे हम दूर हटते जा रहे हैं। हमारी पार्टी का ये एजेंडा भी रहेगा कि हम शहरीकरण को रोक के गाँव में बैठे व्यक्ति के रोजगार की वहीं हम यदि उपलब्धता करा देंगे तो निश्चित रूप से शहरीकरण पर हम रोक लगा सकते हैं। ये हम सब के लिए भले की बात भी होगी। सर, इसी के साथ हम देखते हैं कि जो महंगाई है वो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जैसे कि हमने हाल ही में बात की पेट्रोल डीजल के दामों की, कि वो भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, पर सर उसी के साथ में एक बड़ी समस्या है कि जो टोल टैक्स है वो भी आप देखिए कि अभी वो बढ़ता जो नज़र आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार की तरफ से नियम आ रहे हैं कि टोल टैक्स है वो भी अभी बढ़ा दिया जाएगा, तो सर उसको लेके क्या आपकी पार्टी कुछ नया करेगी? देखिए, टोल मुक्त राजस्थान का हमारा हनुमान जी का जो सपना है, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। अब तो जब चूंकि संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं नागौर का, तो टोल मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन टोल मुक्त राजस्थान की हमेशा उन्होंने पैरवी की। वो एक बात कहते हैं, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तब हम बहुत बड़ा रोड टैक्स देते हैं, तो फिर रोड टैक्स जब हमने दे दिया तो फिर टोल टैक्स किस बात का? हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि इस प्रदेश के अंदर टोल खत्म होना चाहिए, टोल मुक्त राजस्थान का हमने सपना देखा है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी इस पर तेजी से कार्य करेगी, और जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से राजस्थान के सारे जो टोल हैं वो बिल्कुल खत्म करके और सड़क पे आदमी आराम से अपना वाहन चलाए, ऐसी हम प्रक्रिया का इस प्रदेश के अंदर शुभारंभ करेंगे। जी सर, देखिए हम परीक्षाओं की बात करते हैं कि जो घपलेबाजी, सिर्फ रीट तो एक तरह से हमने एक उदाहरण देखा था कि रीट के घपलेबाजी का जो मामला था बहुत ही उभर के सामने आया था, परंतु ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिसमें घपलेबाजी होती है, तो उसको लेकर के आपकी पार्टी क्या कुछ करने वाली है? देखिए, जब तक चयन आयोग जो है, चयन बोर्ड जो है, चाहे हम RPSC की बात करें, चाहे कर्मचारी चयन आयोग की बोर्ड की बात करें, जब तक ऐसे पदों के ऊपर योग्य व्यक्तियों को आप नहीं बिठाओगे,
तब तक इन सब चीजों का दंश हमें हमारे समाज को झेलना पड़ेगा। आज हकीकत ये है कि जो सीएम साहब की सब्जी लाता है या जो बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं मंत्रियों को, उनको आरपीएससी का मेंबर बना दिया जाता है, उनको आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो उनसे हम न्याय की और एक पारदर्शिता की उम्मीद कैसे करेंगे। आज विधानसभा जब चल रही थी तब सारे उच्च शिक्षा के ऊपर जब डिस्कस हुआ तो ये पता लगा कि 14 से ज़्यादा कुलपति जो है वो राजस्थान के अंदर बाहर के हैं। उदयपुर के कुलपति की यदि हम बात करें तो उनकी जो पद की योग्यता होनी चाहिए वही नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय जो बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है उसके अंदर भी कुलपति के पास जो योग्यता होनी चाहिए वो नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं जो ये नियुक्तियां जो है इसके अंदर जो राजनीतिकरण जो हुआ है उससे हमें ये समाज को दंश झेलना पड़ रहा है। हमारी पार्टी बिल्कुल इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेगी कि जब ऐसे जितने भी संवैधानिक पद है या जो भर्तियों के बोर्ड हो गए या आपके आयोग हो गए इनके अंदर योग्यता धारी व्यक्ति को यदि हम पद पे बिठाएंगे तो निश्चित रूप से इन सब चीजों से हम निजात पा सकेंगे। तो इसी के साथ सर देखिए कि जितनी भी जो पार्टियां हैं वो चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो उसमें आपकी पार्टी की तरफ से जनता के लिए क्या कुछ खास संदेश रहेगा? देखिए संदेश हमारे बुजुर्गों ने बिल्कुल पहले ही कह दिया था कि उन्होंने ये कहा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो हम हमारे अधिकार और हक के लिए जिस दिन जाग गए तो ये समझो लोकतंत्र के अंदर आधा विकास आपका वैसे हो गया। मैं तो मतदाताओं से और मेरे युवा साथियों से यही अपील करूंगा कि आप संवेदनशील होके और अपने हक और अधिकारों के लिए जागृत होके और आपको एक लंबी लड़ाई राजस्थान को खुशहाल बनाने के लिए लड़नी है, जिसके लिए हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हमेशा मंच के माध्यम से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और लोकसभा और विधानसभा में जहाँ भी हो रहे सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने संघर्ष किया। हमारा यही प्रयास है कि हम सब मिलके और अपने अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीखें, ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ना सीखें। हमारा एक ही ध्येय हो कि राजस्थान खुशहाल प्रदेश के रूप में कैसे आगे विकसित हो। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि योग्य उम्मीदवारों को यदि आप चुने, जातिवाद धर्मवाद इन सब पे आप चोट करके और अच्छे व्यक्ति को यदि आप अपना जनप्रतिनिधि बनाओगे तो निश्चित रूप से वो आपकी आवाज भी उठाएगा और उसका ईमानदारी से प्रयास रहेगा कि राजस्थान खुशहाल प्रदेश की श्रेणी में आगे बढ़े। तो देखिए एक बहुत ही अच्छी बात कही नारायण बेनीवाल जी ने कि हमें हमेशा अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आज हमारे साथ मौजूद थे नारायण बेनीवाल जी जिनसे हमने बहुत ही खास बातचीत की। तो आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।